गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आए हैं एम्स ऋषिकेश। तो आज मैं आपको यहाँ के MBBS के हॉस्टल का विजिट कराता हूँ कि कैसा रूम होता है। तो चलते हैं अंदर। गेट से अंदर एंट्री करने के बाद ये हम अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं हॉस्टल की तरफ। भैया सारे हॉस्टल्स हैं स्टूडेंट्स के, MBBS है, PG वाले हैं सभी। ये इधर मेस है, जैसे ये 78 है। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, हम अपने इस वाले हॉस्टल में जाते हैं। अब अंदर फिर अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये हॉस्टल नंबर 77। लिफ्ट से बाहर आने के बाद ये बिल्डिंग का व्यू है। हम थर्ड फ्लोर पे हैं अभी। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम। ये होने वाला है रूम, ये आप देख सकते हो। सो गाइस, ये है रूम। ये एक टेबल मिलती है, ये हॉस्पिटल वाले एम्स वाले ही देते हैं। ये एक दूसरी स्टडी टेबल है, ये अपनी अलमीरा, इसमें बुक्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे अपने घर से कुछ भी फैमिली मेम्बर के फ़ोटोज़ लगा सकते हो। या एक ये वाली लाइट है, एक ये लाइट है, फैन एम्स वाले प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक छोटा सा बेड है सिंगल पर्सन के लिए, और रूम ठीक है, अच्छा रूम है। और ये एक अलमीरा है, ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको मैंने दिखाया। अब थोड़ा बाहर का व्यू, बारिश हो रही है, ये देखिए। ये सामने वाली बिल्डिंग भी यही है। अब थोड़ा बाहर का ये देखो, यहाँ पे आप खेल भी सकते हो। तो वैसे दिन में क्रिकेट भी खेल लेते हैं यहाँ पे, फुटबॉल वगैरह भी खेल लेते हैं। सामने बिल्डिंग, ये हॉस्टल नंबर 77 है, ब्लू कलर का। ये वाटर कूलर है, हर फ्लोर पे लगा हुआ है। ये वॉशरूम है यहाँ का, ठीक है वॉशरूम भी। ये वाटर कूलर के बगल में इधर का व्यू है। ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, ये सामने बिल्डिंग है। यहाँ ये एम्स की बिल्ली है, ये पता नहीं क्या पकड़ के लेके आई है। हाँ भाई, तो मैंने आपको बताया ये जो रूम है, ये पहले मैंने आपको बताया ये MBBS का है, MBBS के जो स्टूडेंट हैं उनके हैं। अब मैं अपने भाई के साथ आया था यहाँ पे कुछ काम से, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूँगी यहाँ का जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनको कैसा रूम प्रोवाइड किया जाता है। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसा है। गाइस दिखा चुका हूँ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बताना ये कैसा लगा आपको ये एम्स ऋषिकेश का MBBS का हॉस्टल। ऐसे ही जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं तो रूम खाली थोड़े होते नहीं है ना, तो एक रूम में दो स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं, अदरवाइज़ एक रूम में एक स्टूडेंट है। बाकी एक बिल्डिंग बन रही है, तो जब वो बिल्डिंग पूरी रेडी हो जाएगी तो फिर वन रूम वन स्टूडेंट MBBS के लिए। तो ये है, बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।